सो हे टेकीज, कैसे हो आप सब लोग। यार जून का महीना चल रहा है पर यहाँ हिमाचल में तो बिल्कुल फील नहीं रहा। यहाँ कभी मौसम कभी ठंडा हो रहा है तो कभी गर्म हो जा रहा है। ऐसे में तो किसान भी कंफ्यूज हो गए हैं कि फसल अभी लगा दें फिर कभी 5-6 दिन इकट्ठे बारिश पड़ जाए फिर उसका नुकसान हो जाए। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ टेक की दुनिया में हो रहा है। एक साथ कई से कई, एक से बढ़कर एक गैजेट से, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो जा रहे हैं। तो ऐसे में तुम लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हो कि हमें कौन सी चीज़, हमें कौन सा बजट, कौन सा गैजेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन जो है लेना चाहिए जो बजट में भी हो और हमारे लिए बेस्ट भी हो। ऐसे में स्मार्टफोन की तो कई सारी लिस्ट हम रेगुलर डालते रहते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 45,000-40,000, लेकिन प्रॉपर कोई गाइड जो है वो हमें नहीं, आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपके लिए आज एक लेकर आ गया हूँ लैपटॉप बाइंग गाइड। देखो अब तुम लोग भी कंफ्यूज हो, किसान भी कंफ्यूज है। अभी किस ऐसे में किसान तो अपने एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं लेकिन तुम तो टेक की दुनिया में बिल्कुल नए हो भाई, तुम कैसे यूज करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम हैं आपके लिए। क्यों सब्सक्राइब कर रखा है, क्यों फॉलो किया है हमें, अगर नहीं करा है कर लो यार। आज की सीरीज में हम आपको लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक कुछ बताएंगे कि आपको लैपटॉप लेने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके से जो है ना आप इन टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा और बढ़िया लैपटॉप जो है बजट के अंदर ले पाओगे। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी नया लैपटॉप लेना है तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान देना है जिसे आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से लैपटॉप जो है परचेज कर सको। और हाँ, महंगे और सस्ते के चक्कर में मत पड़ना यार, अपनी जरूरत और कैपेसिटी के हिसाब से अपना बजट बनाना। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो ना कि काम कम है और आपने लैपटॉप हैवी ले लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका फिजूल का आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और क्यों ना हम ऐसे लैपटॉप को लें जिससे प्रॉपर हमारे जीवन में यूज हो जाए, हमारे पूरे लाइफ में इसका यूटिलाइजेशन हो जाए। एक अच्छा लैपटॉप इसके लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर अब तुमने अपना एक बजट भी सेट कर लिया है तो चलो चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिनको हमें लैपटॉप लेने से पहले ध्यान में रखना है। किसी भी लैपटॉप में उसकी परफॉर्मेंस जो होती है 5 बातों पर डिपेंड रहती है। परफॉर्मेंस आपकी उसमें आती है CPU, रैम, इंटरनल स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड प्लस बैटरी। देखो सबसे पहले तो हम ये समझ लेना चाहिए कि एक अच्छा और मतलब कि एक लैपटॉप में और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में दोनों में सबसे अच्छा क्या है। वैसे तो दोनों ही अच्छे होते हैं और दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। तो अगर आपको कोई से लेना है, मतलब आपको कौन सा लेना चाहिए, आपको अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं लैपटॉप है आप उसे कहीं ले जाना चाहते हैं, राइट, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो आप जो ऐसे में एक लैपटॉप ले सकते हैं। तो चलो यार हम लैपटॉप के बारे में बात करेंगे तो कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर और नजर मार लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट स्पेसिफिकेशंस डू यू नीड इन योर लैपटॉप। किसी भी लैपटॉप लेने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको अपने लैपटॉप में क्या क्या फीचर और स्पेसिफिकेशंस चाहिए ताकि खरीदते टाइम आपको आसानी हो जाए। आपको ज्यादा फोकस जो है स्पेक्स पर रखना है क्योंकि इससे हमें उस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। इसलिए जब भी लैपटॉप लेने की सोचो तो सबसे पहले डिवाइस को थोड़ा या एक्सप्लोर कर लो कि उस लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे कि प्रोसेसर कौन सा चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, ये सब आप उसके अंदर देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो देखनी है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा जो लैपटॉप है वो बेस्ट रहेगा और आपके बजट में फिट होगा। तो ऐसे में आप एक थोड़ा सा मतलब डिस्प्ले और प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, बैटरी, इंटरनल स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स पर जो है नज़र डालते हैं। देखो डिस्प्ले के बारे में आपको बताऊं तो बहुत से लोग लैपटॉप का जो चूज़ है वो स्क्रीन साइज़ के लिए करते हैं, लेकिन जो लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज़ है उसे हमें देखकर नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक तो स्क्रीन साइज़ बड़ा होने से लैपटॉप भारी हो जाता है और साथ ही अगर डिस्प्ले थोड़ा लो रेजोल्यूशन वाला हुआ तो कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसलिए रेजोल्यूशन जो अच्छे रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन ना उसे पसंद करो। अगर लैपटॉप को लेकर ज़्यादा ट्रैवल करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कम से कम 14 इंचज़ वाला लैपटॉप खरीदो क्योंकि इस साइज़ के लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और इनको लेकर कहीं भी आने जाना थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते तो आप एक बड़े साइज़ के स्क्रीन के बारे में भी जो है सोच सकते हैं। प्रोसेसर और रैम की बात करो तो मार्केट में आजकल बहुत से अच्छे अच्छे तरह के प्रोसेसर आ रखे हैं, जैसे Core i3, Core i5, Core i7। हम सब डोमेस्टिक यूजर्स हैं तो इन प्रोसेसर की स्पीड का डिफरेंस का पता भी नहीं चलता क्योंकि घर में यूज़ के लिए तो Core i3 या डुअल कोर प्रोसेसर भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारा बेसिक सा काम भी हो जाता है। अब ये Core i5 या Core i7 की कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होते हैं और अगर अच्छा स्पीड चाहिए तो हमें रैम भी अच्छी चाहिए, जैसे कम से कम हमें 4GB की रैम चाहिए। और अभी तो नए में DDR3 और DDR4 रैम मार्केट में चली रहे हैं, इससे कोशिश करो कि अपडेटेड रैम ही लो। अगर आपको बेसिक में सब कुछ करने वाला लैपटॉप चाहिए तो फिर आप कम से कम Core i3 के 11th जनरेशन वाले लैपटॉप को ले सकते हो और अभी तो नए मार्केट में कई सारे जो है लॉन्च हुए हैं। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आजकल सभी लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड तो होते हैं इनबिल्ट होते हैं जिससे हम जो है नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, गेम, सॉन्ग वगैरह चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको MS ऑफिस के अलावा ब्राउजिंग, मूवी या गेम जैसे यूजेस हैं तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड के बारे में नहीं सोचना। हाँ, अगर आपका काम फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग जैसा है तो फिर आप एक अच्छे ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि अच्छे ग्राफिक कार्ड से होंगे तभी आपसे काम जो है आपके आसानी से हो पाएंगे। बाकी जो होती है लैपटॉप की जान होती है बैटरी। यार आपको कैसे पता होगा कि अगर एक अच्छा लैपटॉप लेना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस लैपटॉप की बैटरी, जो कि हमारे लैपटॉप की जान होती है। अगर बैटरी अच्छी ना रहे तो फिर कितना ही महंगा लैपटॉप क्यों ना हो किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि अगर बैटरी नहीं है तो हम अपना डेली काम कैसे करेंगे भाई।
इसलिए लैपटॉप खरीदते टाइम बैटरी का जरूर ध्यान दें। जिस लैपटॉप की बैटरी बैकअप सबसे अच्छा आप उसे साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में आजकल कई सारे लैपटॉप्स आ गए जिनका जो है बैकअप जो है 10-10 आवर्स 12-12 आवर्स तक होता है, ज़्यादा बैटर बैकअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है एक लैपटॉप की नज़र से। बाकी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर दे जाएंगे बात करूँ तो हर मतलब की स्टोरेज में अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइस आते हैं, जैसे कि HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSHD। स्पीड की बात करें तो इन तीनों में SSD काफ़ी स्पीडली काम करता है और HDD सबसे स्लो होता है। अब SSD काफ़ी महंगी होती है और आपको ज़्यादा फास्ट लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो SSD लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मल यूज़र हो तो फिर HDD के लिए तुम जा सकते हो। नॉर्मल काम के लिए काफ़ी अच्छी मान जाती है HDD को। HDD में आपको 500 GB 1 TB तक आ जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और काफ़ी ज़्यादा बजट में भी आती है, तो तुम इसी का जा सकते हो यार अगर नॉर्मल यूजर हो तो। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा विंडोज 7 के साथ नए हो तो ठीक है, इसमें तुम जो है काफी कुछ लर्न कर सकते हो। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हुए हैं अभी तो, विंडोज XP, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, लिनक्स, मैक, कई सारे हैं। मैं आपको विंडोज 7 ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें आप काम करना सबसे अच्छे से आ जाए, तो आप उसके फिर विंडोज 10 के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। विंडोज 11 मार्केट में चल रहा है और कई सारे नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा ईजी लगेगा। बाकी हमारा तो कंक्लूजन जो है उसके बारे में बात करें तो आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी हेल्प मिली है ना तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी कोई लोग जो लैपटॉप वगैरह लेने की सोच रहे हैं वो भी इस गाइड को लेकर के समझ सकें। और हमें फीडबैक हमारा कमेंट सेक्शन में देना कि आप चाहते हो कि हम लैपटॉप को लेकर के भी स्मार्टफोन जैसी वीडियो बनाएं, जैसे बेस्ट लैपटॉप 45,000, 40,000, 30,000 इस तरह की वीडियोज़ बनाएं, तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। और कोई भी क्वेरी हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार। अरे एक बोनस टिप, अगर यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट तक आ गए हो तो बोनस टिप तो देना बनता है भाई। देखो ये बोनस टिप है रिव्यूज़ पढ़ने का। आपने कोई से भी लैपटॉप सेलेक्ट किया हो ना तो उसकी रिव्यूज़ जरूर देख लेना, बाकी लोगों ने उस लैपटॉप के रिगार्डिंग कुछ फीडबैक शेयर किए होते हैं, उसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा होता है। किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखने पर हमें ये पता चल जाता है कि उसके प्रोज और कॉन्स का, जिससे हमें उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और इससे आप जो एक अच्छा लैपटॉप तो ले ही सकते हो। अगर आपको मेरी बातों को अगर जिन सब बातों को ध्यान रखकर खरीदारी करोगे तो आप एक बढ़िया लैपटॉप खरीद पाओगे अपने बजट के अंदर, जिससे आपका पैसा भी बच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़रूरतें भी जो हैं पूरी हो जाएंगी। तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं से भी हेल्प हुई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार डिस्कवर किया हमें चेकआउट करना चैनल को, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।